हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अदिति। डेटा इज गुड से इस वीडियो में हम डेट टाइम के बारे में जानेंगे और डेट टाइम लाइब्रेरी को इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। टॉपिक्स जैसे कि डेट एंड टाइम क्लास, डेट टाइम क्लास, टाइम डेल्टा क्लास के बारे में भी सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल में हमने जो कोड मटेरियल यूज किया है उसे डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलेगा। अगर आपको हमारे चैनल के बारे में अभी पता चला है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जब भी कोई नया वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगा तो आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। हाय एंड वेलकम, मैं हूं अदिति। इस लेसन में हम डेट्स और टाइम के बारे में जानेंगे। डेट्स और टाइम के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर डेटा सेट्स में डेट्स या टाइम के कॉलम होते हैं जिसे हम एनालाइज करते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस और फोरकास्टिंग में भी डेट और टाइम के कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाइथन के मॉड्यूल डेट टाइम से। डेट टाइम लाइब्रेरी को आपको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये लाइब्रेरी पाइथन के साथ प्री इंस्टॉल्ड होती है। लेकिन अगर आपको कभी भी इस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना है तो आपको डेट टाइम लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना होगा। चलिए डेट टाइम लाइब्रेरी को इस्तेमाल करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेट टाइम फंक्शन की मदद से हम डेट्स कैसे डिफाइन करते हैं। डेट टाइम फंक्शन तीन पैरामीटर्स लेता है, ईयर, मंथ और डे। डे टाइम लाइब्रेरी हमें बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम डेट और टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। डे टाइम लाइब्रेरी चार कैटेगरीज में डिवाइडेड है, डेट क्लास, टाइम क्लास, डेट टाइम क्लास, टाइम डेल्टा क्लास। तो क्या आप एक्साइटेड हैं डेट्स और टाइम्स के बारे में और जानने के लिए? लेक्चर में हम डेट और टाइम मॉड्यूल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेट क्लास के साथ। डेट क्लास की तीन मैंडेटरी पैरामीटर्स होते हैं, ईयर, मंथ और डे। इसे YYYYMMDD फॉर्मेट कहा जाता है, जहां ईयर के लिए चार प्लेसेस रिजर्व्ड हैं और मंथ और डे के लिए दो दो प्लेसेस रिजर्व किए गए हैं। डेट क्लास के तीनों आर्ग्यूमेंट्स को स्पेसिफाई करते समय हमें रेंज का भी खास ख्याल रखना होगा, जैसे कि मंथ के लिए 1 से लेकर 12 तक, जहां 1 जनवरी को डिनोट करता है और 12 दिसंबर को डिनोट करता है। ठीक वैसे ही डे के लिए मिनिमम वैल्यू 1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू उस महीने के आखिरी तारीख की वैल्यू, जैसे कि जनवरी के लिए मैक्सिमम वैल्यू 31 होगी जबकि फरवरी के लिए मैक्सिमम वैल्यू 28 होगी। अगर आर्ग्यूमेंट्स इंटीजर डेटा टाइप में स्पेसिफाई नहीं किए गए हैं तो हमें टाइप एरर मिलेगा, क्योंकि डेट क्लास सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप्स के साथ ही काम करता है। चलिए इसे एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट, माई डेट इज इक्वल टू डेट, ईयर इज इक्वल टू 1998, मंथ इज इक्वल टू 7, डे इज इक्वल टू 19, प्रिंट डेट इज टू माई डेट। इसका रिजल्ट होगा 1998-07-19। लेकिन फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट, माई डेट इज इक्वल टू डेट, ब्रैकेट ईयर इज इक्वल टू 1998, मंथ इज इक्वल टू 7.0, डे इज इक्वल टू 19, प्रिंट डेट इज माई डेट। इसका रिजल्ट होगा टाइप एरर। चलिए देखते हैं हम डेट टाइम मॉड्यूल को करंट डेट को फेच करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें टुडे फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। इस फंक्शन का इस्तेमाल करके हमें करंट ईयर, करंट मंथ और करंट डे मिल जाएगा। चलिए इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट, प्रिंट डेट dot today bracket, or we can access the month independently, print date dot today bracket dot month.
अगला है टाइम क्लास। टाइम क्लास के 4 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आवर, मिनट, सेकेंड्स एंड माइक्रोसेकेंड। और सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स ऑप्शनल हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप इन आर्ग्यूमेंट्स को स्पेसिफाई नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट टाइम, माई टाइम इज इक्वल टू टाइम, ब्रैकेट आवर इज इक्वल टू 12, मिनट इज इक्वल टू 30, सेकेंड इज इक्वल टू 45। इसका रिजल्ट होगा 12:30:45। एक वक्त में हम सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट को एक्सेस करते हैं। माई टाइम इज इक्वल टू टाइम, मिनट इज इक्वल टू 15, इसका रिजल्ट होगा 15। लेकिन एक बार हमने टाइम ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर हम एक एक करके सारे आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। माई टाइम इज इक्वल टू टाइम, आवर इज इक्वल टू 12, मिनट इज इक्वल टू 30, प्रिंट टाइम डॉट आवर, रिजल्ट्स 12, प्रिंट टाइम डॉट मिनट, रिजल्ट्स 30, प्रिंट टाइम डॉट सेकेंड, रिजल्ट्स टाइप एरर। इस लेसन में हमने डेट और टाइम क्लास के बारे में जाना। इस लेसन में हम डेट टाइम क्लास के बारे में जानेंगे। डेट टाइम क्लास हमें डेट और टाइम दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट टाइम, ए इज इक्वल टू डेट टाइम, ईयर इज इक्वल टू 1993, मंथ इज इक्वल टू 5, डे इज इक्वल टू 10, प्रिंट ए, इसका रिजल्ट होगा 1993:05:10। चलिए इसमें टाइम के आर्ग्यूमेंट्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। बी इज इक्वल टू डेट टाइम, ईयर इज इक्वल टू 1993, मंथ इज इक्वल टू 5, डे इज इक्वल टू 10, आवर इज इक्वल टू 12, मिनट इज इक्वल टू 13, सेकेंड इज इक्वल टू 43, माइक्रोसेकेंड इज इक्वल टू 43:13, प्रिंट बी। अब इसका रिजल्ट कुछ इस तरह का होगा 1993:05:10, 12:13:43:43:13। चलिए अब डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स के सारे आर्ग्यूमेंट्स को एक एक करके एक्सेस करते हैं। प्रिंट बी डॉट मिनट, यहां हमने सिर्फ मिनट को एक्सेस किया और हमें 13 आउटपुट में। इसी तरह हम ईयर, मंथ, डे, आवर, सेकेंड और माइक्रोसेकेंड को भी अलग से एक्सेस कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन एक बहुत ही पॉपुलर फंक्शन है, क्योंकि ये फंक्शन हमें लोकल करंट डेट और टाइम बताता है। चलिए नाउ फंक्शन का भी एग्जाम्पल देखते हैं। टुडे इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ, प्रिंट टुडे। इस लेसन में हम टाइम डेल्टा क्लास के बारे में जानेंगे। टाइम डेल्टा क्लास डेट मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टाइम डेल्टा को दो डेट्स के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, और इस तरह के कैलकुलेशंस टाइम सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए टाइम डेल्टा के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले एक ऐसा एग्जाम्पल जहां हम ये जानना चाहते हैं कि करंट डेट के 30 दिन के बाद कौन सा डेट आएगा। टुडेज अंडरस्कोर डेट इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ, डेट आफ्टर अंडरस्कोर मंथ्स इज इक्वल टू टुडेज अंडरस्कोर डेट। देखा आपने कितना आसान था। चलिए अब हम आज के करंट डेट से 3 महीने पहले का डेट निकालते हैं। डेट बिफोर अंडरस्कोर मंथ्स इज इक्वल टू टुडेज अंडरस्कोर डेट, टाइम डेल्टा डेज इज इक्वल टू 90। हमारा डेट्स और टाइम का लेसन यहीं खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को शेयर, लाइक और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें। आपके रिस्पॉन्ड करने पर हमें मोटिवेशन मिलेगी, जिससे कि हम और अच्छे वीडियोस अपलोड कर पाएंगे। अगर आपका कोई फीडबैक है जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं,
तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने सुझाव हमारे साथ साझा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, बेल आइकन को भी जरूर दबाइए जिससे कि कोई भी नया वीडियो आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए नमस्कार।